एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब क्या, एक पूरे प्रोसेस में, एक पीरियड ऑफ टाइम में आपने ये 10 बक्से जो है ऊपर चढ़ाया, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए, इस पूरे प्रोसेस में आपका जो एवरेज पावर है वो होगा आपने टोटल कितना काम किया डिवाइडेड बाय उस टोटल काम को करने में आपको टाइम कितना लगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को आप सोचिए, आप बक्सा चढ़ा रहे हैं ऊपर, फिर आप पैदल उतर रहे हैं, जब आप पैदल उतर रहे हैं सीढ़ियों से, क्या आप इस सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं? नहीं। तो फिर इस पूरे प्रोसेस में आप हमेशा काम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ शुरू शुरू में आप क्या कर रहे थे, दौड़ते हुए बक्सों को चढ़ा रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद आप थक गए तो धीरे धीरे बक्सों को चढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये निकला कि शुरू शुरू में आपका पावर जो है वो ज्यादा था, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा काम कर रहे थे, दौड़ते हुए काम कर रहे थे, और धीरे धीरे आपका काम करने का रेट जो है वो घट गया, दैट मीन आपका पावर वहां कम डिलीवर हो रहा है। सो पावर ये हमेशा कॉन्स्टेंट ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये डिपेंड करेगा किस रेट से काम किया जा रहा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, इंस्टेंटेनियस पावर का। इंस्टेंटेनियस पावर एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में जो पावर डिलीवर किया जा रहा है उसे इंडिकेट कर रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि ग्रेविटी, ये भी काम करती है। अगर आप एक बॉल को गिरा देते हैं नीचे, तो ये गिरते हुए ग्रेविटी इस बॉल पे काम करती है। शुरू शुरू में बॉल का जो है स्पीड वो कम रहता है, तो यहां पर ये बॉल धीरे धीरे गिर रहा है, यहां धीरे रहेगा इसका गिरना, और यहां जितना नीचे वो गिरते जाएगा उसका स्पीड बढ़ेगा। तो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में बॉल यहां से यहां आया। अब कुछ देर बाद जब आप देखेंगे इसी बॉल को, 1 सेकंड में ही ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि समय के साथ साथ इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहां डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसे S1 नाम दे देता हूं और इसे S2 नाम दे देता हूं, S2 S1 से बड़ा होगा, और ग्रेविटी जो यहां पर फोर्स अप्लाई कर रही है यहां पर नीचे की तरफ, जो कि होगा mg, सो ये तो कांस्टेंट है, अप्लाइड फोर्स जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो दोनों ही केस में आप अगर वर्क डन को देखें, तो यहां पर इस केस में जो वर्क डन होगा, फर्स्ट केस में जो वर्क डन होगा ये होगा mg इंटू S1, और सेकंड केस में, इस केस में जो वर्क डन होगा ये होगा mg इंटू S2। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो है ये बड़ा होगा, जितना समय पार होते जाएगा जो काम करेगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो ज्यादा होते जाएगा। तो इस पीरियड में जो पावर है और इस पीरियड में जो पावर है उसमें तो डिफरेंस हो गया। हम कहेंगे यहां पर जो पावर है, सेकंड केस में जो पावर है ये ज्यादा है, फर्स्ट केस में जो पावर होगा ये पावर ये कम है, क्योंकि पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो फर्स्ट केस में mg s1 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड और सेकंड केस में mg s2 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो ये ऑब्वियस ही बात है बड़ा है, तो पावर भी इस केस में बड़ा होगा। चलिए हम एक मजेदार एक्सप्रेशन बना लेते हैं पावर के लिए। मान ले कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग समय में उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है। जैसे कि यहां पर फोर्स का मान ले मैग्नीट्यूड सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर अलग भी रहे तो भी हम इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। सो फोर्स दोनों में लग रहा है, लेकिन हमने देखा कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में वो इतना है, जबकि यहां पर एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। हमें पता करना है इंस्टेंटेनियस।